हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई पुलिस ने सुलझाई करोड़ों का सोना चोरी होने की गुत्थी। राजस्थान व गुजरात से 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अब भी फरार। रेवदर से मिली थी पहली लीड नागानी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने 8 टीम बनाई और हर टीम में 4 पुलिस कर्मी थे। इसके अलावा कुछ अधिकारी टेक्निकल काम कर रहे थे। कुल मिलाकर करीब 40 पुलिस कर्मी इस मामले की जांच में लगाए गए। जब जांच के लिए पुलिस की टीम उस कार्यालय में गई, तो पता चला कि चोरों ने कार्यालय से सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी चुरा लिया था। फिर भी शहर के अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो आरोपियों का लिंक मिलना शुरू हुआ। संयुक्त पुलिस आयुक्त मुंबई विश्वास नागरे पाटिल ने बताया, इस सोने के व्यापारी के पास पिछले 6 महीने से काम कर रहे गणेश कुमार ने ये पूरी चोरी की प्लानिंग की थी। दरअसल शिकायतकर्ता के पिता की हाल ही में कैंसर की वजह से मौत हो गई थी, जिस वजह से वह बहुत ही व्यस्त थे। इसी के चलते गणेश को कार्यालय की चाबी दे रखी थी और उसे पता था कि कार्यालय में कहां कहां क्या रखा है, और इसके बाद ही उसने चोरी की प्लानिंग की, अपने दोस्तों को जमा करना शुरू किया। पाटिल ने बताया कि इन लोगों ने चोरी के बाद एक ओला बुक की थी और ओला से पहले बोरीवली गए और वहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर पालनपुर गए, वहाँ से फिर गाड़ी बदली और रेवदर गए, वहाँ से फिर गाड़ी बदली और फिर आबू रोड गए, जहाँ पर एक फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर सोने को आपस में बांट लिया और अलग अलग जगह चले गए। जांच के दौरान 18 जनवरी को पुलिस को लीड मिली और रेवदर राजस्थान से रमेश प्रजापति नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने सोने खेत में गाड़ा है और वहाँ जाकर खुदाई की गई तो वहाँ से 4,15,00,000 रुपए का सोना बरामद हुआ। दूसरी लीड 21 जनवरी को मिली और पुलिस की एक टीम हिम्मत सिंह, लोकेंद्र राजपूत, प्रहलाद चौहान नाम के आरोपी को राजस्थान के सिरोही से गिरफ्तार किया। उनके पास से 66,40,000 रुपए का सोना बरामद किया। तीसरी लीड 22 जनवरी को मिली और फिर मास्टरमाइंड गणेश देवासी मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया और उसके साथ ही किशन चौहान और कैलाश कुमार भाट जो इंदौर में छिपे थे, पुलिस के आने की जानकारी मिलने के बाद वो राजस्थान भागने लगे। फिर पुलिस की एक टीम फिर उनका पीछा करते करते उन्हें मध्य प्रदेश के ओझर से गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस को 1,78,00,000 का सोना मिला। पुलिस को चौथी लीड 24 जनवरी को मिली और फिर पुलिस की टीम ने श्याम लाल सोनी, विक्रम कुमार और उत्तम घांची को राजस्थान से गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने इस चोरी को अंजाम देने वाले आरोपियों को लॉजिस्टिक और मदद की थी। इनके पास से 48,65,000 रुपए का सोना मिला। पुलिस ने बताया कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और इसी तरह के मूल्यवान वस्तु जहां भी रखी होती है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी को भी देने से पहले कई बार विचार करना चाहिए। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।